Dear student, today we are taking chapter 2, People as a Resource. We are talking about the human capital. So when we invest money in the form of education and make assist to the people, the population become the human capital. Not only do the more educated and healthier people gain through higher income, ना केवल जो ज़्यादा educated और healthier people हैं वो अपने को higher income के द्वारा gain होते हैं, बल्कि society also gains in others indirect way, और समाज को भी indirect way में फ़ायदा होता है. Because the advantage of a more educated or a healthier population is spread तो दो, क्योंकि समाज को भी जो हायर एजुकेटेड और हेल्थी पॉपुलेशन है वो जब फैलती है तो समाज को भी फ़ायदा होता है. हु देमसेल्फ वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड, जो सीधे तौर पे एजुकेटेड नहीं है, और हु जो असेस इज नॉट अप टू द हेल्थ केयर, और जिनकी हेल्थ केयर तक पहुंच नहीं है. इनफैक्ट वास्तव में ह्यूमन कैपिटल से इज इन वन वे सुपीरियर टू अदर्स रिसोर्सेज. वास्तव में ह्यूमन कैपिटल जो है वो दूसरे रिसोर्सेज से ज़्यादा सुपीरियर है, जैसे कि लैंड एंड फिजिकल कैपिटल. ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ द लैंड एंड कैपिटल्स, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज ही जो लैंड और कैपिटल से उसका अच्छी तरह उपयोग कर सकता है. लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन, और जबकि लैंड और कैपिटल जो है वो अपने आप में यूजफुल नहीं है. द ह्यूमंस कैन मेक द लैंड एंड कैपिटल यूजफुल फॉर मैनी डेकेड्स इन इंडिया. कई दशकों से भारत में ए लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर्ड लायबिलिटी रादर देन एन असेट. दशकों से जो है भारत में एक बड़ी पॉपुलेशन को एक लाइबिलिटीज़ के तौर पर देखा जाता है, ना कि एक संपत्ति के रूप में. बट ए लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी ए बर्डन फॉर द इकोनॉमी. हम इस बारे में कह सकते हैं कि जो लार्ज पॉपुलेशन है वो एक बर्डन नहीं है इकोनॉमी के लिए. इट कैन बी ट्रांस इन टू ए प्रोडक्टिव असिस्ट, इसको जो है एक उत्पादन करने वाली संपत्ति के रूप में बदला जा सकता है. इफ़ वी इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल, अगर हम ह्यूमन कैपिटल्स में इन्वेस्टमेंट करें, फॉर एग्जाम्पल बाई स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल. तो जब हम जो है सभी लोगों के एजुकेशन हेल्थ रिसोर्स हेल्थ पर अपने रिसोर्सेज को एक्सपेंड करते हैं, ट्रेनिंग्स और इंडस्ट्रियल्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर इन द यूज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी. मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वर्कर की ट्रेनिंग, हेल्थ और एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चर एंड सो ऑन. और जो है जो यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चर्स हैं ऐसे ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो एग्रीकल्चर वर्कर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग देकर उनको और यूजफुल बनाया जा सकता है. द टू फॉलोइंग केसेस इलस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम ए मोर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. और जो है नीचे जो एग्जाम्पल से उसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि किस तरह से जो है रिसोर्सेज को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है. स्टोरी ऑफ द साकाल. देयर वर टू फ्रेंड्स विलास एंड साकाल लिविंग द सेम विलेज सेमापुर. दो फ्रेंड्स विलास और साकाल जो थे वो एक ही गाँव में रहते थे सेमापुर में. साकाल वाज़ ए 12-year-old boy और साकाल जो था वो 12-year-old boy था. एक मदर शीला लुक आफ्टर डोमेस्टिक कॉरस, और उसकी मदर जो है शीला जो घर के डोमेस्टिक वर्क को देख लुक आफ्टर करती थी. हिज फादर बूटा चौधरी वर्क इन एन एग्रीकल्चर फील्ड, और जबकि उसके फादर बूटा सिंह जो थे वो
एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क करते थे। वर्क करते थे। सकल हेल्प हिज मदर्स इन डोमेस्टिक कॉलर्स। सकल जो था अपने मदर के डोमेस्टिक कॉलर्स में भी जो है डोमेस्टिक कर्सों में हाथ बटाता था, हेल्प करता था। ही ऑल्सो लुक आफ्टर ही जंगल ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। अब वो जो था अपने जंगल ब्रदर्स जीतू और सीतू सिस्टर सीतू को जो है लुक आफ्टर करता था। हिज अंकल श्याम हैड पास द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। उसके अंकल जो थे वो मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन जो पास थे, बट वाज सिटिंग आइडल्स इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब। क्योंकि वो घर में सुस्ती के रूप में आइडली बैठे रहते थे, क्योंकि बिकॉज हिज अंकल हैड नो जॉब। बूटा सीला वाज एगर टू टीच सकल। बूटा सीला जो है हमेशा सकल को पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते थे। दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल। जो है उसको फोर्स करते थे कि विलेज स्कूल को ज्वाइन कर ले, विच ही सून ज्वाइन, जिसको उसने जल्दी ही ज्वाइन कर लिया। ही स्टार्टेड स्टडिंग्स एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। उसने जल्दी ही हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन को कम्प्लीटेड कर लिया। हिज फादर परसेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी। उसके फादर ने उसको दबाव पूर्वक कहा कि वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखता। ही रेज ए लोन फॉर सकल टू स्टडी ए वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर। और उसके फादर ने सकल के लिए लोन रेज किया सो दैट सकल विल डू द कोर्स ऑफ द कंप्यूटर, जिससे कि वो कंप्यूटर का कोर्स कर सके। सकल वाज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज। सकल जो था वो आउटस्टैंडिंग था, मेरिटोरियस था और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेता था फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही। विद ग्रेट वाइकस एंड एंथुजियम्स और घने उत्साह के साथ ही कम्प्लीट हिज कोर्स। उसने अपना कोर्स को कम्प्लीट कर लिया। आफ्टर सम टाइम्स ही गॉट इन ए प्राइवेट फॉर्म। और कुछ समय के बाद उसने प्राइवेट फॉर्म में जॉब ले ली। इवन डिजाइन से न्यू काइंड ऑफ द सॉफ्टवेयर। उसने एक नई तरह का सॉफ्टवेयर भी डिजाइन किया है। दिस सॉफ्टवेयर हेल्पिंग इंक्रीज द स्किल्स इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म। इससे सॉफ्टवेयर ने फर्म की सेल को इंक्रीज करने में सहायता की। हिज बॉस एक्नोलेज्ड हिज सर्विसेज। उसके बॉस ने उसकी सर्विस को स्वीकृत कर दिया एंड रिवार्डेड हिम विद ए प्रमोशन। और उसको एक प्रमोशन जो है रिवार्ड किया, उसे दिया।